डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और आज हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एरर अप्रोक्सीमेशन की। इसके लिए मैं आपके पास एक छोटे से फॉर्मूले के साथ आया हूं। आप उस फॉर्मूले को देखिए और आसानी से, बड़े ही आसानी से आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। टॉपिक का नाम है एरर अप्रोक्सीमेशन। एरर अप्रोक्सीमेशन, तो इसमें क्वेश्चन किस तरीके का आता है? क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है फाइंड अप्रोक्स वैल्यू ऑफ वन जीरो जीरो वन टू द पावर वन बाय थ्री यूजिंग डिफरेंशियल कैलकुलस। तो आइए हम देखें कि इसके लिए एक फॉर्मूला क्या है और मेथड क्या है। तो फॉर्मूला बड़ा ही आसान है। रिक्वायर्ड वैल्यू अप्रॉक्स इज इक्वल टू वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब इसमें वाई क्या है, एक्स क्या है, सभी चीज़ें देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में इसकी अप्रॉक्स वैल्यू निकालनी है यूजिंग डिफरेंशिएशन। तो एक्स आप उसको माने जिसका क्यूब रूट आता हो, एक्स से आपका 1000। डेल्टा एक्स जो एक्चुअल है और जो कन्वीनियंट वैल्यू है उसका डिफरेंस 1, और फंक्शन का नेचर मतलब क्या है प्रॉब्लम, क्यूब रूट, तो एक्स टू द पावर 1/3। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन 1/3 एक्स टू द पावर 1/3 माइनस 1 1/3 एक्स टू द पावर माइनस 2/3 और नीचे आई तो प्लस 2/3। अब आप इसको लिखें वाई इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रखें और एकदम आसानी से आपका आंसर आएगा। देखिए वाई की वैल्यू रख दें एक्स टू द पावर 1/3 डी वाई बाई डी एक्स और डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स इज 1। अब एक्स की जगह क्या रखेंगे आप, तो एक्स की जगह देख ले, एक्स की जगह रखना आपने 1000 टू द पावर 1/3 प्लस 1/3 इंटू 1000 टू द पावर 2/3 इंटू 1। अब 10, ये 1000 का क्यूब रूट आपको मालूम है, 1000 का क्यूब रूट होता है 10। क्यों? क्योंकि इसको लिख सकते हो आप 10 टू द पावर 3 होल टू द पावर 1/3, 3 कट। इसी तरीके से ये हो गया आपके पास 1/3 इंटू 10 टू द पावर 3 होल टू द पावर 2/3, 3 कैंसिल। ये आ गया आपके पास 10 प्लस 1/3 इंटू 10 स्क्वायर, 3 इंटू 10 स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 100। अब वैल्यू ऐसी है कि 10, ये अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं मैनुअली। अब मैं फिर भी आपको सहूलियत के लिए बोल देता हूँ, 1/3 इज 0.333, तो मैं एक डेसिमल प्लेस तक ले रहा हूँ। 0.3 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 10 प्लस 0.003, तो आपका अप्रॉक्स रिजल्ट आएगा 10.003। ये इसका अप्रॉक्स वैल्यू है। इसी तरह से इसमें अगर हम दूसरा क्वेश्चन लें, एक और मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर करता हूँ। आप मान लीजिए कि लेते हैं, आप मान लीजिए कि 4 4 16, 4 64, 4 256। यहाँ पे आपने मान लीजिए 254 टू द पावर क्या ले लिया, 1/4। अब आप इसका फोर्थ रूट निकालना चाहते हैं, तो आपको मालूम है कि 254 का फोर्थ रूट नहीं, आसानी से नहीं निकलेगा। पर अगर ये 256 होता x, तो आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर लेते।
तो यहाँ पे आप x को लीजिए 256, डेल्टा x को इसका और इसका डिफरेंस, तो अब माइनस में डिफरेंस, x टू द पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/4, इसका डिफरेंशिएशन 1/4, x टू द पावर 1/4 माइनस 1, 1/4 माइनस 1 इज माइनस 3/4। अगर आप फिर इसे इस तरीके से लिखेंगे तो 1/4 x टू द पावर प्लस 3/4। अब फार्मूला यही रहेगा, फार्मूला विल रिमेन सेम, देयर विल बी नो चेंज इन फार्मूला। अब फार्मूले में कोई चेंज नहीं, y की जगह आप रख दें x टू द पावर 1/4, dy बाई dx की जगह वैल्यू डेल्टा x इज माइनस 2, x की जगह वैल्यू रख दें, x की जगह 256 टू द पावर 1/4 प्लस इंटू माइनस इज माइनस 2, से इसको कैंसिल कर सकते हैं 1/2 इंटू 256 टू द पावर 3/4। कैलकुलेट कर ले, 256 मींस क्या है, 4 4 जा 16 4 जा 64 इंटू 4, तो 4 टू द पावर 4 है, तो ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा आपके पास माइनस 1/2 इंटू 4 का क्यूब, 4 का क्यूब मीन्स 64, मीन्स 4 माइनस 1/128। अब आप इसको मैन्युअली कैलकुलेट कर लें, तो ये इसका अप्रॉक्स आंसर है। इसी तरह से आपको एक और चीज़ है जो इसमें बची हुई है, मैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ कि फाइंड अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 9.01 व्हेन यूजिंग डिफरेंशियल कैलकुलस, व्हेन एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, तब आपका फार्मूला क्या होगा, तो फार्मूला विल रिमेन सेम। अब y की जगह में आ जाएगा आपके पास एफ ऑफ एक्स और dy बाई डी एक्स की जगह में आ जाएगा एफ डैश एक्स। x क्या है इस केस में, इन दिस क्वेश्चन x इज वॉट, x 9, क्योंकि 9 की वैल्यू आसानी से आएगी। डेल्टा x इज वॉट 0.01, एफ ऑफ एक्स इज दिस गिवन, एफ डैश एक्स क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस 3। अब आप यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर, बड़े आसान तरीके से आप कर सकते हैं और बिल्कुल हजल फजल नहीं हो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 प्लस 2x प्लस 3, डेल्टा x देख ले, डेल्टा x इज 0.01। अब आपको x की जगह मालूम है क्या रखना है, आपको x की जगह 9 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 9 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 9 प्लस 3 इंटू 0.01, 9 का स्क्वायर हो गया 81, 81 प्लस 27 माइनस 2 प्लस 2 9 18 प्लस 3 21 आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.21। अब इसको कैलकुलेट कर ले, 81 27 माइनस 2 25, तो ये आ जाएगा आपके पास 106.21। तो दिस इज द अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ दिस सच अ फंक्शन। तो इस तरीके से आपने समझा कि एरर अप्रॉक्सीमेशन किस तरह से होगा। जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे, दीज वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, और आप इसी तरीके के सवाल करें। वैसे इसमें बहुत ज़्यादा समझने के लिए, पर उन पे ज़्यादा भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप इसी पे फोकस करें। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट।